हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मायो सैंडविच। ऊपर से एकदम क्रिस्पी होंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेज मायो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खीरा लिया, जिसको ऐसे बारीक बारीक पीसेस में काट लिया मैंने। एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी ऐसे बारीक बारीक काट लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं इसमें, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी आपकी मर्जी हो। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है मेयोनीज, ये एगलेस है। 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर। 4 मैंने ली है ब्राउन ब्रेड, आप इसकी जगह वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें जो सारे खीरा, टमाटर और प्याज वगैरह हैं ये सब मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसी में ये जो मेयोनीज है ये डाल देते हैं हम अपनी। तो मैंने इसमें अपने हिसाब से डाली है, आप कम ज़्यादा कैसे भी डाल सकते हैं। और ये जो ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, ये भी डाल देते हैं। नमक की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है डालने की, क्योंकि मेयोनीज में ही नमक ऑलरेडी होता है। और इसको मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अब रेडी है। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ब्रेड ले ली और इसको एक प्लेट में रख दिया, और ये जो स्टफिंग है इसको हम इसमें डाल देंगे ब्रेड में, और चारों तरफ इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सैंडविच, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ग्रिल टोस्टर लिया है, इसमें अच्छे से बटर लगा देते हैं। इसमें 2 एक साथ बन जाएंगे सैंडविच, आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। अच्छे से इसमें बटर लगा देती हूँ मैं, और अब मैंने एक रखा ये सैंडविच, और ये 2, और इसके ऊपर से अच्छे से बटर लगा देते हैं। बटर भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कई लोग कम खाते हैं तो आप कम डाल लीजिए। और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं टाइम ओवर हो गया है और ये कट हो चुका है, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए कितना धुआं आ रहा है और एकदम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। तो एक सैंडविच को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। इसको मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो एकदम क्रिस्पी सैंडविच है कितना टेस्टी बना है। और ये दोनों साइड से ही देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आया है, क्रिस्पी है एकदम, और अंदर से उतना ही एकदम सॉफ्ट और टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। तो देखा आपने कितना ईजी है वेज मायो सैंडविच को घर पे बनाना, तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।